आओ अभिषेक, देखो क्या हो रहा है। अरे अंकल, आप चाय बना रहे थे? क्या करूं भाई, बनानी पड़ती है। आज बनाई है इतने दिनों के बाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर से कहा है कि प्रीति की जान बच सकती है। सब मेरे कर, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा रहे। सच अभिषेक, पिछले कुछ दिन तो ऐसे गए हैं, ना कुछ काम करने को मन करता था और ना ही खाने पीने का होश था। I was feeling so helpless. अरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और घर में सब ठीक ठाक? जी सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जो भी कहना है बेझिझक कहो। अब तो आप और अंकल मां से मिलने आ सकते? हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, दरअसल माँ और बड़े भैया थोड़े अपसेट। क्यों? कहीं उस दिन की वजह से तो नहीं? सारिका और जेठा आए थे। वो भी कई दिनों से आप लोग मिले भी नहीं है, फोन भी नहीं किया है। वो तो है, लेकिन उस दिन जेठा जी की बात जो है, आप जरा उनसे पूछेगा कि उन्होंने क्या कहा था। अरे बात करने की तमीज नहीं उस आदमी को। हम लोग भी इतने परेशान थे ना, आज जाकर टेंशन थोड़ा कम हुआ है। आई नो। और बात भी क्या करने आए थे वो, कि आप लोगों ने मेहमानों का स्वागत जैस्मिन वाटर से करना था, रोज वाटर से क्यों किया? अरे अगर इतनी प्रॉब्लम है उन लोगों को हमसे, तो कह दो उनसे कि हमें नहीं करनी शादी। हम तो शादी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तुमसे किसने कहा? अब बोलो दिवाकर। नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुमने पूछा क्यों? अब बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ कह सकता हूं मैं। हाँ कहो। मालविका की मां से कोई पर्दा नहीं है, बोलो तुम। बाबूजी, मुझे लगता है कि मालविका इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें किसने कहा? उसकी बातों से और उसके एटीट्यूड से तो यही लगता है मुझे। देखो दिवाकर, जो भी बात करनी है तुम साफ साफ करो। बाबूजी, मुझे मालविका मिली थी। कहाँ मिली थी तुम्हें? प्रीति जब से हॉस्पिटल में दाखिल हुई है वो मुझे नहीं मिली है, तुम्हें कहाँ मिल गई? मैं प्रीति को देखने गया था तो वहां मेरी मुलाकात उससे हो गई। तो बाबूजी, उसको तो मुझसे बात तक करने की फुर्सत नहीं है। बेटे वो टेंशन में है, उसकी फ्रेंड बीमार है, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। जी जानता हूं, उसके लिए तो उसके दोस्त मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसने खुद बताया मुझे। तुम्हें बुरा लगा? नहीं बाबूजी, पर क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं? ऐसा नहीं सोचते बेटे। बाबूजी, उसने ये भी कहा कि अगर वो जरूरत पड़ेगी तो शादी भी कैंसिल कर देगी। उसने ऐसे कहा? जी, मैं उससे सिर्फ शादी की बात कर रहा था और उसने फट से मना कर दी। ओहो, अब समझा। दिवाकर, उसकी फ्रेंड जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और तुम वहां पर शादी की बात करोगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा तुम्हें। ऊपर से समय भी कैसा चल रहा है तुम्हें तो पता है ना बेटा। जी माँ जी। उसकी बातों का बुरा मत माना करो, जरा मुंहपट है। देखो बेटा, वो वहां परेशान रही होगी इसीलिए कुछ कह दिया होगा। अरे भाई, उसकी फ्रेंड्स कितनी भी अजीज क्यों ना हो, शादी तो वो तुम्ही से करेगी ना। कमान यंग मैन, चीयर अप। देखो, जिस दिन तुम्हारी शादी तय है उसी दिन तुम्हारी शादी की जाएगी। हैप्पी। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, चाय भाई लाओ इसके लिए कुछ। अरे नहीं बाबूजी, अब बाबूजी बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। हाँ, शादी का काम है ना। ओके बाबूजी, नमस्ते। चलो बेटा। ये लड़का इतना डरता क्यों है? देवती दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, उसे डर है कहीं पहले की तरह मालो शादी कैंसिल ना कर दे। अरे पहले शादी कैंसिल होने का तो कुछ कारण था, अभी तो कुछ कारण भी नहीं है, तो फिर शादी कैंसिल क्यों होगी? अरे फिर भी उसे टेंशन है और मालो उसे अटेंशन भी नहीं देती। मालो को प्रीति का इतना टेंशन है तो उसे अटेंशन कैसे देगी? जानता हूँ, प्रीति घर आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्रीति की तो पट्टी खुलने वाली थी ना? हाँ शायद कल खुलेगी। अब उनको क्या बात करनी है? होगी कोई बात किशोर,
इतने दिनों से हमारी आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई है ना। तो क्या हुआ, किसी ने शादी कैंसिल तो नहीं की? अब इतना आपसे क्यों हो रहे हो? तो क्या, अरे इन्हें तो रेणु की हर बात से प्रॉब्लम है। वो तो होगा ही ना किशोर, ना तुम उनसे मिलने गए ना रेणु उनसे मिलने गए, तो उनको तो लगेगा ही ना कि क्या हुआ। अभिषेक तो आता ही रहता है ना, और फिर नहीं मिलने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते? हो जाते हैं किशोर, समझौतों पर टिके हुए रिश्ते ना मिलने से टूट जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों को संजो के रखने की जरूरत ही क्या है? किशोर तुम भूल रहे हो, समझौता हमने भी किया है, हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हमारी बेटी का अतीत सूरत हाँ है, तो क्या इसके लिए हम जिंदगी भर उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? अतीत की बात कौन कर रहा है किशोर? शलभ मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही भी है या गलत। क्या यही शुक्ला परिवार से रेणु का अतीत? आज इतने दिनों बाद तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आ गया? कुछ नहीं, ऐसे ही। आशावरी जी की बात मन में चुभ रही है ना? नहीं, नहीं, नहीं। उनका इशारा कतई रेणु की ओर नहीं था, अरे वो तो खुद रेणु को इतना चाहती है कि क्या हुआ? मॉम क्या हुआ? अपसेट है तेरे पापा। क्यों? मॉम अभिषेक की तरफ से कोई मैसेज आया? क्यों? कुछ नहीं, विद्या देवी मिलना चाहती है। किस लिए? पता नहीं, बातचीत करने के लिए शायद। देखो अगर आप लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ये शादी कैंसिल कर दीजिए। अरे भाई मेरे माफ करने या न करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। शंकरन मेरी बात सुनिए, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बच्ची की मदद करनी है। मेरे अकेले के चले जाने से आपकी मेंबरशिप कम होगी? क्या बात कर रहे हैं आप क्यों डर रहे हैं, मेरी जगह कोई दूसरा ले लेगा, कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, हाँ हाँ मैं मिलता हूँ, हाँ कल ही मिलूंगा, आ रहा हूं मैं। हाँ कौन था? कोई नहीं, वही यूनियन का सेक्रेटरी, उसे भी अपनी यूनियन कैंसिल होने का डर है। आपसे क्या चाहिए उसे? कह रहा है मैं रिटायरमेंट नहीं लूं। तो आप? मैं लूंगा। तो वो लोग नाराज नहीं होंगे आपसे? सबको एक साथ तो तुम्हारा भगवान भी खुश नहीं रख सकता, मैं तो इंसान हूं। आप हमेशा भगवान पर इतना क्यों चिढ़ते हैं? चिढ़ता विड़ता नहीं हूं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसके न्याय में कुछ गड़बड़ है? नहीं। हाँ तुम्हें क्यों लगेगा, तुम्हें तो हर बात में उसकी लीला नजर आती होगी। वो जो भी करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। हाँ बहुत अच्छे के लिए करता है, प्रीति को पहाड़ी से नीचे गिरा कर क्या अच्छा किया उसने उसका? वो तो बाद में पता चलेगा। मैंने उसकी सेहत के लिए मन्नत मांगी है कि जब तक वो अच्छी होकर अपने घर नहीं चली जाती तब तक मैं रोज मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। चलो मैं भी चलता हूँ। आप चलेंगे? क्यों? चलिए। वो रोज सबकी परीक्षा लेता है ना, आज मैं चलकर उसकी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ प्रीति को कैसे ठीक नहीं करता। चलो उठो। प्रकाश इतने दिनों तक एक एक पल कैसे जिया हूं मैं ये मैं ही जानता हूं। हर पल भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि मेरी प्रीति को बचा ले। अभी तो प्रीति ठीक हो गई है ना, बिगा को टेंशन में तू, कल उसका पट्टी खुलने वाला है ना? तो हाँ इसलिए शायद और घबराहट हो रही। दो महीनों से हर दिन हर रात इसी पल का इंतजार करता रहा कि कब उसकी पट्टियां खुलेगी और कब वो मेरी आंखों के सामने होगी। अरे तो अभी तो तेरा इंतजार खत्म हो गया ना, तो अभी काहे को टेंशन में तू? हां सच प्रकाश तुझ जैसा दोस्त मेरे साथ में था इसलिए दुख भी मैं काट पाया। अगर तुझ जैसा दोस्त नहीं होता तो शायद मैं बिल्कुल टूट जाता।
कैसी बातें कर रहे रे? मैंने अपना फर्ज निभाया खाली, कोई ऐसा ही नहीं किया तेरे पे। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये प्रीति ऐसी हालत में किसकी वजह से? कुछ मालूम कर? इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है प्रकाश, जिस दिन मुझे पता चला कि इस हादसे के पीछे कोई है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तू कुछ नहीं करेगा, मैं क्या बोल रहा है तेरे को, तू डॉक्टर है ना, अपना काम कर, तो बाकी काम मेरे पे छोड़। तेरे को मालूम पड़ता ना कि कोई तेरे को टेंशन दे रहा है तो मेरे को बोला, मैं देखेगा साले, तू अभी टेंशन मत ले, कल उसका पट्टी खुलने वाला है ना, बस खुश हो जा भी। मिसेस प्रीति, प्लास्टिक सर्जरी से पहले आपने मुझे यही फोटोग्राफ दी थी ना, एंड सी द रिजल्ट। खुश नहीं हो? प्रीति, ये सब कुछ तुमने सिर्फ मेरी खुशी के लिए किया। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी है। अरे बहुत किस्मत वाला रे तू, तेरे को प्रीति जैसी वाइफ मिली। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिनको इतना प्यार करने वाली वाइफ मिलती है, मालूम है क्या तेरे को? सच कह रहे हो तुम प्रकाश, सचमुच प्रीति मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है जैसे प्रीति को पाकर भी मैंने खो दिया। ऐसा काहे को बोल रहे तू प्रकाश? अब जब भी मैं प्रीति को देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये मोहिनी है। तेरे को तो मालूम है ना वो प्रीति है, खाली उसका चेहरा बदला है। वैसे मैं माँ और डैड को लेकर भी बहुत परेशान हूँ, जब वो लोग प्रीति को दिखेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग, उन्होंने देखा है ना प्रीति को तो? हाँ देखा है, लेकिन ऑपरेशन के बाद पापा ने माँ को हॉस्पिटल आने से मना कर दिया, उन्हें इस सब के बारे में अब कुछ नहीं पता। और अब जब मैं इतने दिनों के बाद प्रीति को घर ले जाऊंगा तो देविका तुम अंदर क्या कर रही थी? मैं राज और प्रीति का कमरा सजा रही थी। इतने बड़े संकट से बचकर हमारी बहू वापस आ रही है। तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा है ना? क्यों? तुम्हारे बहू जिंदा जो वापस आ रही है। बहू को जिंदा देखकर मैं दुखी हो जाऊंगी? दुखी हो जाऊंगी नहीं, तुम दुखी हो,
राज की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आए ये तुम्हें कभी मंजूर नहीं। ये क्या कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे नसीब में भगवान ने इतनी अच्छी बहुएं लिख दी, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। और क्या कहूं, लक्ष्मी जैसी बहुएं मिली थी दोनों, लेकिन तुम्हें उनका जीना खटकता था। ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बात मान रही हूं ना। आपने मुझे कहा किसी को मत सताना, मैं किसी को नहीं सताती। आपको मैंने सताया नहीं ना? आपने मुझे कहा प्रीति को देखने अस्पताल नहीं जाना, मैं नहीं गई, इसलिए वो बच गई। कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं प्रीति को मारना चाहती थी? ये तो प्रीति को ही मालूम है, पता नहीं वो बेचारी अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रही। वो तो माँ जो भी कुछ हुआ वो सब उसने पूरा बयान दिया है पुलिस को। मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि वो लड़की राज को दिलो जान से चाहती है। देविका, यदि राज की जिंदगी में खुशियां चाहती तो भगवान के लिए उस बेचारी को मत सताना उसे। ये प्रीति ही है डैड, उसका चेहरा इतनी बुरी तरह फट गया था कि प्लास्टिक सर्जरी के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन ये चेहरा इसी ने पसंद किया। मुझे भी पट्टियां खुलने के बाद ही पता चला। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए डैड। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चुप चुप जियो, चुप चुप जियो। घबराइए मत माँ जी, मैं प्रीति हूँ। प्रीति? मोहिनी? आपको मुझसे हमेशा शिकायत थी ना? लीजिए, अब मैं मोहिनी बनकर वापस आ गई।